अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन, होप यू ऑल आर वेल। प्लीज़ इग्नोर दिस सिचुएशन बिकॉज यहाँ पे मेडिसिन लगी हुई है। मैंने आप लोगों को बताया था, पता नहीं आई डोंट नो किस ब्लॉग में, लेकिन बताया था कि थोड़ी सी सिचुएशन ख़राब है, एलर्जी हुई हुई है। तो अभी भी मेरे से सही तरह बोला नहीं जा रहा एंड ये जगह जो है ना बिल्कुल अजीब सी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं, ब्लॉग तो बनाना ना। तो सीन ये है कि आज है सैटरडे एंड आई वोक अप एट, आज बहुत मेरा अजीब सी डिस्टर्ब 3 नाइट गुजरी है मेरी। पहले मैं 3 बजे उठी, 5 बजे सोई, फिर हमारी सुबह 8 बजे लाइट गई है और 12:30 बजे आई है। एंड इस पूरे टाइम मैं सोई नहीं, इसी वजह से मेरी शक्ल जो है ना वो थोड़ी सी ऐसी सोई सोई सी हुई हुई है, क्योंकि आई हैवंट स्लेप्ट लाइक पूरी रात। मैं मुश्किल से 2-3 घंटे सोई हूँ, इवन दो आई वाज सो टायर्ड। और सैटरडे के लिए बंदा इतना एक्साइटेड होता है कि भाई सैटरडे है तो हम सोएंगे, नींद पूरी करेंगे, और एंड पर इस तरह का कुछ हो जाता है। हमारी हर सैटरडे को ये लोग सुबह लाइट बंद कर देते हैं लाइक 4 से 5 घंटे। तो मुझे समझ नहीं आती भाई, जिनको वीक में 1 या 2 छुट्टियाँ होती है उन लोगों के साथ ये लोग क्यों ऐसे करते हैं। लाइक किसी वीकडे पे बंद कर लें तो हमें कोई फ़र्क ना पड़े, इतना वीकेंड पे बंद करते हैं जब सब घर होते हैं। एंड ऑल्सो हमारे सैटरडेज दोबारा ऑन हो रहे हैं, उसका मुझे और अफसोस है, क्योंकि कुछ ऑफिस इन लोगों ने ओपन किए हैं जिन्हें मेरा ऑफिस भी शामिल है, तो आई हैव टू गो नाउ। तो नेक्स्ट मंथ से हमारे सैटरडेज भी ऑन होंगे तो छुट्टी ख़त्म। चलें देखते हैं हम इस वीक क्या करते हैं। मैंने अभी वीडियो अपलोड करनी है डॉक्टर स्ट्रेंज वाली, अपने ब्लॉग पे रिव्यू लगाने हैं, और मैंने कैक्टस ऑयल वाली वीडियो शूट करनी है। आज बहुत ज़्यादा चीज़ें लाइन अप हुई नहीं है दैट आई हैव टू डू, तो आई सी यू गाइस लेटर। देखते हैं आज हम क्या क्या करते हैं एंड मैं आप लोगों को साथ साथ अपडेट करूँगी। ओके, सो बेसिकली अभी मैंने अपने ब्लॉग पे रिव्यू भी लगा दिया और यूट्यूब पे वीडियो भी अपलोड होने के लिए लगा दी, फेसबुक पे भी वीडियो अपलोड होने के लिए लगा दी, स्नैक वीडियो पे भी लगा दी, टिकटॉक रहता है टिकटॉक पे भी लगा दी। और टिकटॉक और स्नैक वीडियो के मैं अपने यूज़र नहीं शेयर करूँगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू सी, कि मैं लगाती तो खाने की हूँ लेकिन वैसे ही आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू नो अबाउट दोस। तो दैट्स इट, अभी देखते हैं। अभी मैंने लंच करने, लंच के बाद फिर मैं वाटिका कैक्टस ऑयल वाली वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। असल में जहाँ पर मैं जॉब करती हूँ ना उधर जनरेटर नहीं चलता, तो कल लाइट गई भी थी, हम लोग फ्री बैठे हुए थे, तो मैंने कैक्टस ऑयल की वीडियो की जितनी चीज़ें, क्योंकि लाइक ये तो रैंडम वीडियोज़ होती हैं, इनमें कोई आपको स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन जब आप किसी चीज़ का रिव्यू देते हो तो उसके बेनिफिट्स, प्रोज एंड कॉन्स, यूजेस, वो सारी चीज़ें इंटरनेट से देखनी पड़ती हैं, जारी बात है। तो कल मैं वो बैठ के तो अपना होमवर्क कर रही थी कि मैंने वीडियो बनानी है कैक्टस ऑयल पर, काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया, वेट मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिए, थोड़ा सा रह गया, अब मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दे सकती हूँ बिकॉज आई हैव यूज्ड इट। तो अब देखते हैं कि वीडियो कब अपलोड होती है, और मैं ऊपर लिंक अटैच करूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और हाँ, वाटिका वाली अभी खाने के बाद हम रिकॉर्ड करेंगे। इट्स करेंटली 8:30 और मैंने कहा था कि मैंने वीडियो शूट करनी है, बट आई कुडंट डू एनीथिंग बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आई डोंट नो व्हाई, पर तबीयत बहुत ज़्यादा अजीब सी हुई हुई है। एंड आज हमारा डिनर है रमादा में, उधर जाना है, और उधर का ब्लॉग मैं अलग लगाऊंगी, लेकिन आई डोंट नो कि मैं कैसे करूंगी बिकॉज आई फील रियली रियली सिक फॉर सम रीज़न। और मैंने कैक्टस ऑयल वाली वीडियो बनानी थी, वो भी नहीं बना सकी, लाइक बिल्कुल मेरे में हिम्मत ही नहीं थी, और बस आज अजीब सा दिन गुजारा। तो देखते हैं कि क्या सीन बनता है, क्या पहनती हूँ मैं, और वीडियो तो अब आई गेस कि कल ही बनेगी, या बहुत हुआ तो आज रात को बना लूँगी, लेकिन जस्ट वांटेड टू अपडेट यू गाइस। ओके पीपल, तो अभी मैं रमादा से वापस आई हूँ डिनर करके, मैंने आप लोगों को बताया था। और रमादा की जो फुटेज है मैं दूसरी वीडियो में, इसमें नहीं ऐड करूँगी, दूसरी वीडियो में ऐड करूँगी, वो अलग से वीडियो है, तो वो प्लीज़ आप वॉच कर लें। अगर मैंने इससे पहले लगा दी तो मैं ऊपर लिंक अटैच कर दूँगी, वरना फिर चलें बाद में देख लेना, कोई मसला नहीं है। तो अभी मैंने वाटिका वाली वीडियो शूट करनी है, फाइनली आई हैव गैदर्ड इनफ करेज टू डू इट। तो ये मैंने पेपर पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं टिपिकल, और अल्लाह करे कि वीडियो बनाते वक्त मुझे समझ आ गई, क्योंकि मैंने बहुत रफ रफ सा लिखा हुआ सब। तो अब मैं ये वीडियो बनाने लगी हूँ, और उसके बाद बस हम सो जाएंगे बिकॉज इट्स ऑलरेडी टू लेट, इट्स ऑलमोस्ट 12। तो वीडियो बना के तो अब हम इंशाल्लाह सुबह मिलेंगे, मैं इस पे काम करती हूँ। चलें, आई सी यू गाइस टुमारो इंशाल्लाह। हेलो पीपल, हैप्पी संडे फ्रॉम द किचन। और सुबह हम लोग गए हुए थे F10, कुछ काम था, G9 फिर गए, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, आई कुडंट शूट एनीथिंग क्योंकि मुझे होश ही नहीं थी, और काम ज़्यादा थे, इस वजह से आई डिडंट रियली हैड टाइम टू रिकॉर्ड एनीथिंग। अब आई एम मेकिंग चिकन सुप्रीम,
और ये मेरी अपनी रेसिपी है, आई डोंट रिमेंबर कि मैंने यूट्यूब पे शेयर किया या नहीं, अगर की भी तो लिंक अटैच कर दूंगी, नहीं की तो नेक्स्ट टाइम बनाया तो पक्का आप लोगों के लिए रेसिपी रिकॉर्ड करूंगी, अभी मैंने नहीं की। तो चिकन जो है उसको मैंने ब्रेड क्रम्स और एग वगैरह सारा कुछ लगा के सुबह ही फ्रीज करके रख दिया था, बाकी अभी मैं मैश पटेटो बना रही हूँ, वेजिटेबल्स रेडी कर रही हूँ, ग्रेवी के सॉस जो बनानी है वाइट सॉस उसके लिए चीज़ें रेडी कर रही हूँ, एंड आई ऑनेस्टली लव इट, बहुत मज़े का बनता है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं इस वक्त रेडी हो रही हैं। आलू बॉयल हो रहे हैं फॉर मैश पटेटोस, ये मैंने स्वीट कॉर्न रखी है, ये मेरे पास ओपा के फ्रोजन कैरेट पीस एंड आलू हैं, बहुत थोड़े से लेकिन चलो हम गुजारा कर लेंगे। इसके बाद मेरे पास है ब्रोकली, साथ मेरे पास ही कैरेट है, इसको भी काटना है। ये तीन चीज़ें जो है ना, कैप्सिकम एंड ऑलिव्स, ये मैं तीनों चीज़ें यूज़ करूँगी अपनी वाइट सॉस में, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं साथ सर्व करूँगी चिकन के। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, मेरे ख्याल से मैं मटर और लूँगी बिकॉज पीस अच्छे लगते हैं उनके साथ, तो आई एम गोइंग टू पिक अप मोर स्टफ, तो I'll see you guys after I've had या कोई भी अपडेट हुई तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। Here's the update. The potatoes are almost done. Almost. बस थोड़े से रह गए हैं और these are also happening. इसमें अब मैंने carrots डाली हैं, sweet corn डाली है और ये क्या कहते हैं butter डाले हैं। तो आप लोग अगर चाहें तो इसमें beans डाल सकते हैं, गोभी डाल दें, जो वो होता है कॉलीफ्लावर होता है वो डाल दें इसमें, या फिर आपको जो भी वेजिटेबल पसंद है। इसके साथ अनियंस एक्चुअली अच्छे नहीं लगते, वो ग्रिल्ड स्टेक के साथ अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैं इसमें अनियंस का यूज़ नहीं कर रही, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर लो। और साथ ही ये चीज़ें, अब ये क्या क्या है, ये हैं ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन ऑलिव्स और कैप्सिकम, ये मैंने यूज़ करना है अपनी सॉस के लिए, जो वाइट सॉस हमारी बनेगी, क्योंकि ऑलिव्स का और इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि सॉस का अपना तो कोई फ्लेवर है नहीं, ना हम ब्लैक पेपर सॉस बना रहे हैं ना मशरूम सॉस बना रहे हैं, तो ये हमारा जो है ना एक तरह का बेस होगा। और मैंने मतलब छोटे छोटे पीस कर लिए हैं इसके, और कैप्सिकम को हमने सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है जब हम इसे बनाएंगे, तो इसे लाइक लाइट सा रखना है। तो फिलहाल दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग, दीज आर द फिलेस जो कि मैंने ब्रेड क्रम्स और एग लगा के तो रखे हुए हैं, तो इनको बस फ्राई करना है, दीज आर रेडी। ओके, हियर्स एन अपडेट, ये हमारी वाइट सॉस बिल्कुल रेडी है, इसमें जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई थी वो सारी मैंने ऐड कर दी, कंसिस्टेंसी इसकी परफेक्ट है, अगर ये पड़े पड़े थिक हो गई तो हम इसमें पानी ऐड करके इसको ठीक कर लेंगे। और ये चिकन बन रहा है यहाँ पे, इसको डीप फ्राई कर रही हूँ, ये फिले इसको मैं आपको दिखाती हूँ, आई होप कि मेरा फ़ोन जो है वो इसमें डुबकी ना लगा, ये देखें लुक्स परफेक्ट सो फार। और जब तक ये बनते हैं देन व्हाट आई विल डू कि मैं इसमें रख दूँगी इसको, ताकि ऑयल जो है वो ड्रिप हो जाए, फिर मैं इसमें इसको सर्व कर दूँगी स्टोर में। तो दिस इज़ व्हाट्स हैपनिंग सो फार, और लाइट नहीं है हमारी एज यूजुअल। ये सब चिकन फिलेज रेडी हो गए हैं तो मैंने इस बास्केट में रख दी हैं ताकि इनका ऑयल जो है वो ड्रिप हो जाए एक्सेस, और उसके बाद फिर मैंने इनको ट्रे में सर्व कर दिया टिश्यू पेपर के साथ, और जब ये ऑयल अच्छे तरीके से हट जाए तो आप टिश्यू पेपर निकाल दें। अब ये हमारी सारी चीज़ें रेडी हैं, मैश पोटैटोज़ भी, ग्रेवी भी एंड वेजिटेबल्स भी। आई ऑर्डर दीज पॉप सॉकेट्स फ्राम दराज, ये 4 मुझे मिली हैं 200 की, 100 डिलीवरी चार्जेस, अगर आप दराज के किसी आउटलेट पिकअप पॉइंट से कलेक्ट करें तो आपको वो 100 रुपये बच जाएंगे, और ये आपको 200 में मिलेंगे। मैं यूज़ नहीं करती पॉप सॉकेट्स, लेकिन मामा करती हैं, क्योंकि मामा इसको ना जब रात को मामा कोई मूवीज़ या कोई सीरीज़ देखती है ना, तो मामा इसको अपना ना स्टैंड बना लेती हैं ये पॉप सॉकेट को। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ पॉपुलर ऐप, अभी पॉप नहीं हो रहा, इसको मैं ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ, ये 4 मुझे 200 के मिले हैं, 100 में डिलीवरी चार्जेस, तो लेट्स ओपन देम अप। ओ नाइस, दे लुक रियली नाइस, स्ट्रगलिंग, वाओ चेक दिस आउट, ये इतना क्यूट है, ये ब्लैक वाला, ये डैडीज प्रिंसेस, मैंने उनको कहा था कि मुझे नहीं चाहिए इसकी जगह मुझे और दे दें, लेकिन उन्होंने कहा जी कि दराज की पॉलिसी है कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया हुआ है आप वही सेंड करें। अब नंबर वन, वैसे जब इनका दिल करता है तो होता कुछ है भेजते कुछ है, और जब कस्टमर खुद कह रहे हैं कि यार हमें कुछ और भेज दो, तब वो कह रहे हैं जी ये दराज की पॉलिसी है। एनीवेज चलो कोई बात नहीं, तो एक ये है, इसके ऊपर लिखा हुआ डैडीज प्रिंसेस, इस पर छोटी छोटी सी बटरफ्लाइज बनी हुई है, और ये दो मार्बल इफेक्ट वाले हैं, पैकिंग अच्छी है काफ़ी, लाइक आई एम इम्प्रेस्ड के इन लोगों ने पहले
इसमें पैक था, ऊपर तो ऑब्वियसली ये था दराज का वट एवर पूरा। इसके अंदर और तो कुछ नहीं है ना, नहीं और मैंने क्या भेजना था। और ये ओपन मैं करके तो आप लोगों को दिखाती हूँ। वेट, फाइनली ये ओपन हो गए, ये हैं पॉप सॉकेट हमारे पास। आई होप कि ये सही हो, लग तो मतलब सही रहे, क्वालिटी इनकी मुझे सही लग रही है, नॉट बैड एट ऑल। ये भी प्यारा है वैसे, दिस इज़ प्रीटी। और ये मुझे बटरफ्लाइज वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया, दिस इज़ रियली रियली क्यूट। और ये डैडीज प्रिंसेस तो ये हैं चार पॉप सॉकेट्स जो कि मैंने दराज से ऑर्डर करवाए, एंड आई हैड अ गुड एक्सपीरियंस। ये जिनसे मैंने परचेज़ किया उनका नाम था पाकले, PAKLAY। तो दीज आर नाइस। अब मेरे मोबाइल कवर्स आने हैं, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी। ओके एवरीवन, सो आई एम गोइंग टू एंड द व्लॉग हियर। आई होप कि आप लोगों ने इन्जॉय की है वीडियो, और आज मौसम शुक्र है थोड़ा सा बेहतर है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग 1000 पे पहुँचने वाले हैं, वी आर सो क्लोज एंड आई नीड योर हेल्प। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन आई लव यू।